नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए आज शुरुआत करते हैं चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है और पार्टी नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल सदन से मंगलवार शाम निकले और लंबी बैठक के लिए बाहर रहे। बुधवार को भी दोपहर बाद कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के लिए हिमाचल सदन से निकले। इस दौरान उनके साथ उनके राजनीतिक सलाहकार के अलावा कोई नेता और अधिकारी उनके साथ नहीं था। दरअसल हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद भरना अभी बाकी हैं। कांग्रेस संगठन में भी कुछ बदलावों की आहट है। कई राज्यों में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगमों में नियुक्तियों के बहाने कई राजनीतिक संतुलन जो है वो साधे जाने हैं। यही वजह है कि इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री की राजनीतिक मुलाकातें ज़्यादा हैं। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजेश धर्मानी, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के नाम जो हैं वो चर्चा में हैं। लेकिन जातिगत समीकरण साधने के लिए कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी कौन होंगे। इधर बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी दिल्ली चले गए, वहीं 24 जून को वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान मुख्य सचिव भी उनके साथ रहेंगे। इस बार ऊर्जा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में मुलाकातें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्यों के साथ चल रहे कुछ मामलों को लेकर भी भारत सरकार में बात करना चाहते हैं। पानी उठाने के लिए BBMB से NOC लेने की शर्त से छूट मिलने के बाद मुख्यमंत्री अब चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर अपना केस जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार मुलाकातों पर भी सबकी नजर है। तो CM सुक्खू जो हैं वो दिल्ली में हैं, उन्होंने डेरा डाल लिया है। 2024 के लिए कांग्रेस में मंथन हो रहा है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए ताकि जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधा जाए। और कैबिनेट विस्तार जो है वो एक बड़ा मसला है प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव जो हैं नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दबाव जो है वो सरकार पर बढ़ रहा है। तो कल तमाम मुलाकातें देर शाम तक CM सुक्खू ने की हैं। आलाकमान से लंबी बातचीत हुई है और आज फिर से CM सुक्खू की मुलाकातें जो हैं वो दिल्ली में चल रही हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजेश धर्मानी, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा के नाम चर्चा में हैं, लेकिन इसके अलावा कई और नाम भी हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो जातिगत समीकरण जो है उसको देख रही है। तो CM सुक्खू आज दिन भर आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और कल जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पर जो हिमाचल का हक की बात वो करते हैं उस केस को वो मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा 2024 पर मंथन जो है वो, तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्यार सिंह कंवर जो हैं वो BJP की तरफ से जुड़ गए हैं, साथ ही चमन राकेश आजता आम आदमी पार्टी की तरफ से और यशपाल जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। यशपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दिल्ली में CM सुक्खू ने डेरा डाल लिया है और कल देर रात तक आलाकमान से मुलाकात का दौर जारी रहा। आज भी
2024 की तैयारियों को लेकर लगातार सीएम आलाकमान के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है कैबिनेट विस्तार का। यशपाल जी आपको आवाज है जी? हेलो यशपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो यशपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली में सीएम सुक्खू ने डेरा डाल रखा है, 2024 को लेकर मंथन कर रहे हैं, आला कमान के नेताओं से लंबी बातचीत उनकी देर रात तक चली है और आज भी वो दौर जारी है, लेकिन सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है कैबिनेट विस्तार का। लगातार जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, प्रेशर जो है वो कांग्रेस पर बढ़ रहा है, तो क्या मुलाकातें हुई, क्या आपके पास अपडेट है कोई दिल्ली में, क्या चल रहा है? देखिए सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का रूटीन दौरा है, दिल्ली अक्सर जाते हैं किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर, उनकी कुछ केंद्रीय नेताओं से जो मंत्री है उनसे भी मुलाकात थी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है आदरणीय शुक्ला जी उनसे भी वो मिलेंगे। जहाँ तक कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, ये मेरे कार्यक्षेत्र का मामला नहीं है, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ जो हाईकमान है वही इसके बारे में बता सकता है। लेकिन लंबा वक्त हो गया सरकार बने हुए, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया और सीएम सुक्खू कई बार दिल्ली आकर बातचीत कर चुके हैं लेकिन समाधान नहीं निकला, लेकिन अब इलेक्शन जो है वो नजदीक है और प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उम्मीद है कि इस बार कैबिनेट विस्तार के लिए हरी झंडी जो है वाला कमान की तरफ से मिल जाएगी। और इसमें जो नाम हैं, तीन नाम मुख्य रूप से राजेश धर्मानी जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं, चर्चा में हैं, तो आपको क्या लगता है, सुधीर शर्मा जी का नाम है, 2024 के हिसाब से जातिगत समीकरण पर भी कांग्रेस जो है वो नज़र है उसकी, तो आपको क्या लगता है कि हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर यहाँ से कोई मंत्री मिलेगा? देखिए, इसमें सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय हाईकोर्ट का जो निर्णय लेगा उसमें जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन सभी चीजों को जो है लेंगे, और अभी इसके बारे में मुझे कोई ऐसा हमारे पार्टी के स्तर पर कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किन किन के नाम चर्चा में हैं, वो तो आप लोग मीडिया के लोग जो ज़्यादा जान सकते हैं इसके बारे में, जो आप लोग ठीक है। चमन राकेश आजता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हमारे साथ, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। चमन राकेश जी, ऐसी क्या वजह है कि कई बार मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं लेकिन कैबिनेट विस्तार जो है उसको हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन अब 24 के इलेक्शन सर पर हैं, तैयारियां जोर शोर पर हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, बीजेपी की तरफ से शंखनाद कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी दिल्ली के चक्कर लगा रही है, आपको क्या लगता है कि जो कैबिनेट विस्तार है वो क्यों रुका हुआ है? देखिए, सबसे पहली जो मैं बात बताना चाहूंगा, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस हाईकमान क्या करती है, कौन लोग ये फैसला करते हैं, लेकिन जहां तक सुखविंदर सुक्खू जी की हिमाचल सरकार का आप देखेंगे तो ये बहुत ही बैकफुट पे अभी ये सरकार जा चुकी है। हमने 6 महीने तक पूरा वक्त दिया सरकार को सेटल होने में, और अब तो 7वां महीना लग चुका है, और आपको भी मालूम है कि अभी तक इनके मंत्रालय जो बटने थे, 3 अभी वैकेंट पोस्ट है, उनमें भी अभी तक इनकी लड़ाइयां चली हुई है, कोई भी समन्वय आपस में दिखाई नहीं दे रहा। हालत इनकी ये है कि चंबा में इतनी बड़ी घटना है, भाजपा उस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस का एक भी नेता बोलने तक को तैयार नहीं है उस पर, और यहाँ पे शिमला में, पूरा शिमला में इन्होंने जो सबसे बड़ा एक खुलेआम जिसको कह रहे हैं, पहली बार दो क्षेत्रों के बीच में, दो जिलों के बीच में इतनी लड़ाई चल रही है कि आप देख रहे हैं कि पिछले कल सिरमौर के लोगों ने वहां पर पे धरना प्रदर्शन किया है, आज ये लोग जो लोकल टैक्सी यूनियन है इन्होंने बॉयकॉट करा था, आज स्ट्राइक दी थी, और साथ के साथ में स्कूल के बच्चों को अगर आप सड़क पे देखेंगे आज बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा सारे के सारे मंत्री इनके यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिलाई से खुद जो जीत कर आए हैं वो मंत्री है, सुमटी से जो उन्होंने अनिरुद्ध जी ने परसों बयान दिया जिसके कारण और ज्यादा ये लोग बढ़ के,
इतने इमेच्योर और इतने नॉन पॉलिटिकल लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं। हालांकि जयराम सरकार मैं कहता हूँ वीकेस्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनके कार्यकाल में अगर आप देखेंगे एक दो मंत्रियों को छोड़ करके बहुत ही किसी में भी निर्णय लेने की या एक्शन जिसको बोलते हैं वो लेने की क्षमता ही नहीं थी। तो ये तो उनसे भी अब मुझे लग रहा है कि अब तो हमें ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनको काफ़ी मौका था सेटल होने के लिए भी। कहीं पे भी कांग्रेस सरकार दिख नहीं रही है, एक के बाद एक आप देखिए इनके पास इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच हिमाचल का उजागर हो चुका है, ओवरड्राफ्ट की वजह से इनकी लिमिट्स वहाँ से केंद्र सरकार से रोक दी गई है, इनको लोकसभा चुनाव की पड़ी है। यहाँ पे कभी भी भाजपा तो चाहेगी कि ऑपरेशन लोटस के लिए कहीं से जरा सा चंक इनको मिल जाए। दूसरा, बेरोजगारों की स्थिति आप देख रहे हो क्या यहाँ पे हो चुकी है, सैलरी के इश्यू यहाँ पे आप देख चुके हैं, और ऊपर से एक पीक टूरिस्ट सीजन में जो कि हमारी आर्थिक का एक बहुत बड़ा योगदान देता है टूरिस्ट सीजन और टूरिज्म, उसमें जा करके ऐसे जहाँ के सौहार्द का माहौल एक बनाने में कोशिश करनी चाहिए, कांग्रेस का एक भी नेता जा करके वहां पर से कोई बयान नहीं दे पा रहा है। हालांकि पुलिस ने काफी अच्छा वहां पे काम किया है जो आपको नजर आया, एक दो गलतियों को छोड़ के या इंटेलिजेंस जिसको फेलियर आप जरा सा ये मान सकते हैं कि उनको मालूम था कि ये धर्म की राजनीति करेगी भाजपा, और उनको पहले शायद उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। बाकी इस सरकार में अभी इनके मंत्रालय के लिए लड़ाइयाँ चली हुई है, अभी एक दो आप रुक जाइए, अभी फाइनेंशियल क्रंचेस मुझे जहाँ मैं आपको 6 महीने पहले भी लोगों से मैंने जब चर्चा की थी, मीडिया बंधुओं से भी हमने कहा था कि हमें सही दिशा में एक दो कदम दिखा था, लेकिन अब वो कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा कि सुक्खू सरकार के नियंत्रण में कांग्रेस सरकार जो है यहाँ की काम कर रही है। ठीक है, यशपाल जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से प्यार सिंह कंवर जुड़े हैं। प्यार सिंह कंवर जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए यशपाल जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, आजता जी कह रहे हैं कि बीजेपी ताक में बैठी है ऑपरेशन लोटस के। आजता जी के अपने ही बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, कैबिनेट के जो इनकी कांग्रेस की लड़ाई है। मैं आजता जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें जो है आम आदमी पार्टी की क्या यहाँ पे कितनी अच्छी भूमिका रही है। 6 महीनों में कांग्रेस ने जो है ये तो आपका ओपीएस जो है वो लागू कर दिया है, और 2-3 गारंटियाँ और भी जो ट्राइबल की महिलाएं हैं उनको जो है हर महीने 1500 रुपये देने की जो बात हुई थी वो मिल रहा है, और बाकी भी उसके लिए बाकी भी चयन हो गया है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, ऐसा है क्या? हेलो जी, बोलिए बोलिए जी। जो इन्होंने बात की कि ये कुछ जो यहाँ का अभी टैक्सी यूनियनों का मामला सामने आया है उसमें बहुत जल्दी ही उसका समाधान निकलने वाला है। मंत्रियों के बीच कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई ये 2 टैक्सी यूनियन का आपस का बीच का मामला था और इसे सुलझा दिया जाएगा। कमेटी गठित हो गई है, SP और DC साहब इसको जल्द ही इसका निपटारा कर देंगे। और मनोहर हत्याकांड की बात की, उसमें जैसा इन्होंने कहा कि इनका एक भी नेता वहाँ नहीं गया, हमारे माननीय मंत्री जो हमारे राजस्व मंत्री है जगत सिंह नेगी जी वो प्रभावित परिवार से जाकर वहाँ मिले, और आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कार्रवाई की और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। हिमाचल प्रदेश में जब से ये हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में अनेकों विकास के नए आयाम जो है ठीक है स्थापित किए जा रहे हैं। प्यार सिंह कंवर जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। प्यार सिंह कंवर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, नमस्कार। थोड़ा अभी चमन राकेश आजता जी बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई है और उधर बीजेपी ताक में है ऑपरेशन लोटस की, कितनी सच्चाई है? क्या बीजेपी ताक में बैठी है ऑपरेशन लोटस के हिमाचल में? मैं आपको ये पता नहीं क्या मतलब निकालते होंगे ऑपरेशन लोटस का, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हम ऑपरेशन लोटस हमारा केवल एक है कि हम कमल के लिए काम करते हैं, वही हमारा ऑपरेशन। और ये सत्ता के लिए अगर उसका ऑपरेशन समझते हैं तो इनकी मर्जी है,
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे सत्ता में हों चाहे ना हों, हम जनता की सेवा करने का एक माध्यम है, वो एक पार्टी है कमल। हम कमल के लिए काम करते हैं, वही ऑपरेशन लोटस है। दूसरे आपका दूसरी जो बात इन्होंने कही कि लॉ एंड ऑर्डर, और जो मैं जब अभी तक जितना सुन पाया, मैं थोड़ा लेट जुड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि चंबा एक तरफ पूरी तरह से मतलब जलने की स्थिति में है, और इसको कंट्रोल कर पाने में ये सरकार कितनी सफल हुई है ये। लेकिन कांग्रेस ने तो आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है चंबा के मामले पर, ये आप पर बड़ा आरोप है, सांप्रदायिक इस केस को बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने खुद आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार सरकार ही है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, अगर सरकार त्वरित कार्रवाई करती तो आज ये नौबत ना आती है। इनके मंत्री 10-10 दिन के बाद भी ये कह रहे हैं, उसी क्षेत्र के मंत्री हैं, 10 दिन 3 हत्याकांड को हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। तो किसे जानकारी होगी? प्रशासन क्या करेगा ये सोचने वाली बात है। प्रशासन वही करेगा जो सरकार निर्देश। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैबिनेट विस्तार जो है अभी तक नहीं हो पाया है, क्यों रुका है? क्या बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं इस मामले पर? बीजेपी तो पहले से लेकर सवाल खड़े करती आई है, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र को सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप देखिएगा कि केवल 5 जिलों में कोई मंत्री नहीं है, और कांगड़ा का जो सबसे बड़ा जिला है वहां पे केवल एक मंत्री है। जब जनता का रिप्रेजेंटेशन ही होगा तो ऐसा ही होगा। चंबा का उनको पता ही नहीं है, मुकर गए 10 दिन बाद कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्र की जानकारी मंत्रिमंडल में सही प्रतिनिधित्व देने के कारण ही होती है, और तभी विकास संभव हो पाता है। जहां तक फाइनेंशियल क्राइसिस की बात आप कर रहे थे, ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश आजता जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। राकेश आजता जी, हाँ हाँ बोलिए। नहीं, मैं थोड़ा सा, वो तनाइक जी शायद चले गए हैं, मैं उनके सिर्फ नॉलेज के लिए, एक थोड़ी सी उनकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं। हैं जुड़े हुए हमारे साथ तनाइक जी, थोड़ा ना आप ये भी याद रखा करो, आपकी कांग्रेस पार्टी तो एओ हयूम साहब के उससे है, आप तो 150 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, और दूसरी एक विश्व की बड़ी पार्टी है। और हम लोग तो अभी जितना पैसा आप चुनाव में लगाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसका 1/10 दे दो आपको जोड़ा। आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो जो मोमोज बेचने वाले, चाय बेचने वाले, टैक्सी बेच, ये सारे लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये आम आदमी पार्टी है। आपके यहाँ पे तो शायद सपने में भी ना सोच पाए। वो चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि क्या क्राइटेरिया आपके यहाँ पे होते हैं, बट हम मुद्दे पे आते हैं। जो असली मुद्दा है वो मुद्दा ये है, देखिए अभी क्या होता है, स्टेट को चलाने के लिए आपको भी मालूम है इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है वहां की जनता को। अब हिमाचल में मान लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसा नहीं है कि चंबा की है, रोडू में आपने देख लिया होगा कि परसों क्या 3 दिन पहले हुआ है। सुमटी में आपको पता है कि वो एक बच्चे की, एक युवा बच्चा था, 1 महीने तक उसको ढूंढते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हालत, अब वो उसका इन्वेस्टिगेशन फेयर कौन करेगा? योग में आपने हालत देख लिए होंगे कि क्या चल रहे हैं, ऊना में आपको पता है क्या चल रहा है, अब शिमला उबल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुक्खू सरकार को ये थोड़ी अब खलेगी। एक जो एक्सपीरियंस कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका ये रोल होता है कि वो सलाह दे अपने मुख्यमंत्री को। तो यानी कि आपका मानना है कि एक्सपीरियंस मंत्री जो है वो सरकार में नहीं है? जी, वो सलाह देते हैं। यशपाल जी, आप जवाब दीजिए, इनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार में जो मंत्री हैं उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए प्रदेश में सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। यशपाल जी, हेलो। हाँ जी, आजता जी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस मंत्री नहीं है आपके पास? ऐसा नहीं है, कोई भी मंत्री हमारा ऐसा नहीं है जिसको कोई अनुभव नहीं है। 6-6 बार के, 5-5 बार के चुने हुए प्रतिनिधि है, और कुछ नए लोगों को भी कांग्रेस पार्टी ने अगर मौका दिया है, वो भी ऐसा नहीं कि उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, ये इससे पहले भी अगर मैं
भाई प्यार सिंह जी बैठे हैं, इनको बताना चाहता हूँ, जो 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ सत्ता में रही है, तो यहाँ कितने कत्ल, कितने रेप और कितने इस तरह की घटनाएं घटी है, ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ है पिछले। ठीक है प्यार सिंह कंवर से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। प्यार सिंह कंवर जी, क्या आपको भी लगता है कि सुक्खू कैबिनेट में कोई एक्सपीरियंस्ड मंत्री नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है? मुझे लगता है एक्सपीरियंस तो इनको है, मगर अपने लिए, जनता की सुविधाओं को लेकर जनता के लिए काम करने की जब जब बात आती है तो कोई एक्सपीरियंस दिख नहीं रहा है इस सरकार में। इनके दोनों वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट में जो नोट आते हैं, जो कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, वो नहीं बता पाते कि क्या तय हुआ है। दो दो तीन तीन तक आप जैसे मीडिया के बंधु और लोग भी जब पूछते हैं तो साफ मुकरते हैं, शांडिल जी साफ मुकरते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या तय हुआ। चंद्र कुमार जी की आप हालत देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मगर इस सरकार में तालमेल की पूरी तरह से कमी है, ये जग जाएगी। ठीक है, इसमें इनको चाहिए कि ये सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी, आप जो जो आपका आज का विषय है, हम नहीं चाहते कि सरकार अब काम ना करे, सरकार काम करे, जनता ने मत दिया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ये मानना है कि सुधार की जरूरत है, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ के साथ। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री ने डेरा डाल रखा है, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन क्या कैबिनेट विस्तार के लिए हरी झंडी आलाकमान की तरफ से मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे में मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।